हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस इन दिस वीडियो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर थ्री क्लास सेवेंथ इन एन सी आर टी सिलेबस एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डेजर्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेजर्ट डेजर्ट मींस एक ड्राई एरिया जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता बहुत हॉट एरिया होता है और जो बहुत लंबे लॉन्ग मतलब उस पर एरिए में हमें सैंडी सैंड मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है इट मीन्स हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे मरुस्थल कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे मरुस्थल ए डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन एक जनरली जो वाटर विदाउट वाटर और विदाउट वेजिटेशन होता है मीन्स जहाँ पे पानी नहीं है और वेजिटेशन जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं एक ग्रीन पैच अगर हमें मिल जाता है फ्रेश वाटर का और ग्रीन ट्रीज़ का कहाँ पे एक किसी भी डेजर्ट के अंदर तो वो एक बहुत ही उस डेजर्ट के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल साइट होती है साइट भी दृश्य शीन होता है एक डेज़र्ट जो है वो बहुत सारा हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है ओके मूव टू फर्स्ट पैराग्राफ दो जोफर्स मीन्स कुछ लोग हम में से दो जो फर्ज एस लिव इन डीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडड बाई हिल्स हम ऐसे एरिया में रहते हैं कुछ लोग जो फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं इट मीन्स वहाँ पे हीट नहीं होगी फॉरेस्ट है तो वहाँ पे प्लांट्स होंगे वहाँ पे तो जो एयर की फ्रेशनेस है वो ज़्यादा उसकी जो क्वालिटी है वो बेटर होगी जो सराउंडेड होता है हील्स से फॉरेस्ट से वो ये बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए क्या करना बहुत मुश्किल होता है इमेजिन करना कल्पना करना कि एक डेजर्ट कैसे होता है एक पॉपुलर बिलीफ जो है पॉपुलर मींस फेमस बिलीफ मींस विश्वास एक जो मेन विश्वास है क्या है कि एक एंडलेस स्ट्रेच होता है मीन मींस स्ट्रेच हो जाना मतलब लंबा 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 बहुत लंबा एंडलेस स्ट्रेच होता है सैंड का मिट्टी का और जहाँ पे कोई भी सैंड से बनी होती है बहुत लंबा लंबा और यहाँ कोई रेनफॉल नहीं होता है एंड देयरफॉर नो देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रो अब पानी नहीं है अब मिट्टी ही मिट्टी है और वो भी ड्राई बिल्कुल तो वहाँ पे क्या नहीं होगा वेजिटेशन तो ग्रो नहीं होगी नो no वेजिटेशन ग्रो मीन्स कोई पेड़ पौधे फल सब्जियाँ ऐसे नहीं होंगे जो हम अदर एनवायरमेंट में देखते हैं इट इज़ ड्राई ये सूखा होता है हॉट होता है वाटरलेस होता है ये देखो आपको क्वालिटीज़ दी गई हैं कि हो वट इज़ डज़र्ट डजर्ट इट इज़ ड्राई इट इज़ हॉट वाटरलेस एंड विदाउट ए सेल्टर और यहाँ पे इतनी छाया नहीं होती है सेल्टर नहीं होता है सेल्टर क्यों नहीं होता क्योंकि जहाँ प्लांट्स ही नहीं होंगे इतना हॉट एरिया होगा तो जो लोग हैं वो भी वहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे कि वो कहीं होम बना लें इस तरह से इत, ऐसे ड्राई एरिया में और ऐसे मतलब जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं तो वहाँ प्लांट्स भी कम होते हैं वहाँ तो इसलिए वहाँ सेल्टर नहीं है बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट लेकिन ये बात पूर्ण रूप से करेक्ट नहीं है फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट पूरा ये नहीं मानते कि भाई वहाँ पे ड्राई ड्राइनेस है वाटरलेस है बिल्कुल है ही नहीं तो जो स्टडी करते हैं इसके ऊपर उनके लिए डेजर्ट बहुत ब्यूटीफुल सीन है क्योंकि वो स्टडी करते हैं कि कैसे यहाँ हॉट वेदर हो रहा है डे टाइम में और जो इवनिंग टाइम में बहुत जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाता है किस तरह के कि वहाँ लोग रहते हैं जो रहते हैं वो तो इस तरह की स्टडी करने के लिए एक जो ये है, है ये ये, ये ब्यूटीफुल प्लेस है इट इज़ द होम ऑफ ये बहुत सारे लोगों का होम भी है होम कैसे है वहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं और वहाँ एनिमल्स भी हैं और वहाँ प्लांट्स भी हैं क्या क्यों क्योंकि वो हैव लर्न टू लीव वो सीख चुके हैं इस हॉट और ड्राई कंडीशन में भी वहाँ पे वो लोग रहते हैं वो एनिमल्स रहते हैं वो प्लांट्स सर्वाइव करते हैं जिन्होंने सीख लिया है कि हॉट वेदर में इन कंडीशंस में अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है कैसे एडजस्ट करना है मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ट्रू द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास प्लांट्स एंड ट्रीज एट इज एट एज इट इज इन अदर क्लाइमेट क्या कह रहे हैं यहाँ पे इट मीन्स मीन्स जो अदर क्लाइमेट्स होते हैं जैसे डिफरेंट क्लाइमेट होता है जो मरुस्थल से डिफरेंट जो डेजर्ट से डिफरेंट क्लाइमेट होता है वहाँ पे ये वैसा नहीं होता वहाँ पे जैसे ग्रास होगा प्लांट होंगे ट्रीज होंगे कहाँ एक नॉर्मल वेदर में सब कुछ होगा बट जो इसमें जो हमारा मरुस्थल है उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाई ए कवर ऑफ ए ग्रास ये वहाँ ये नहीं है कि भाई ग्रास होगा रहेगा प्लेन्स के अंदर ट्रीज होंगी बहुत सारी ऐसा नहीं होगा बट वेन एवर रिच लेकिन जब कभी भी बारिश होती है बट वो होती कैसे है विच इज़ रेयर रेयर मीन्स ना के बराबर अगर पूरी साल में दो बार बारिश हो गई तो वो ना के बराबर है वहाँ पे जो डेजर्ट में फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं खिलते हैं ब्लूम मीन्स खिलना एंड द साइट कैन बी रिवॉर्डिंग और जो साइट है जो दृश्य है वो कैसा हो जाता है एक ट्रॉपिकल गार्डन की तरह से रिवॉर्डिंग हो जाता है मीन्स थोड़ा वो हरा भरा सा दिखने लग जाता है अ डजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड ये नहीं है कि वो हमेशा ही फ्लैट होगा कोई ज़रूरी नहीं है फ्लैट ही फ्लैट होगा वो ऊंचा ऊपर नीचे भी हो सकता है अन चेंजिंग वेस्ट लैंड है मतलब ये तो एक वेस्ट ले, वेस्ट लैंड होती है बेटा बंजर भूमि मतलब जहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है जो लैंड फर्टाइल फर्टाइल नहीं है उसकी तरह से ऑफ ड्राई सैंड इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स इसके अंदर माउंटेन भी हो सकती हैं इसके अंदर हिल्स भी हो सकती हैं इसके अंदर ये एक ओएसिस भी रख सकता है ओएसिस मीन्स ओएसिस मीन्स बचा छोटी सी जगह एक ग्रीन पैच बना हुआ हो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हों सारी चीज़ें हों मीनस हरियाली हो स्मॉल फ्लावर प्लांट्स भी हों तो उस एरिया को हम ओएसिस कहते हैं कुछ वो ओएसिस कैसा हो सकता है बिग भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है आपके लिए जो ओएसिस है वो कैसा होता है एक अब डेफिनेशन है देखो एन ओ की मैं आपसे जैसे हमारे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अगर मिलता है तो इसी तरह से पैराग्राफ में क्वेश्चन निकाले जाते हैं आपको पैराग्राफ देकर इसीलिए मैं इसकी हर लाइन को एक्सप्लेन कर रही हूँ जब आप अपनी नोटबुक में पढ़ेंगे आप अपनी नोटबुक अपनी जो बुक है जो टेक्स्ट बुक है उसको आप उठाओ साथ साथ और उसमें जब आप रीडिंग करोगे तो आपको हर पे एक प्रॉपर ट्रांसलेशन हिंदी कब इंग्लिश जो भी है मतलब वर्ड्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको मज़ा आएगा मेरे साथ लाइक ए ग्रीन आइलैंड जो है एक ग्रीन आइलैंड की तरह है इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट उसको मिडल में होता है कहीं भी मतलब इधर उधर और उसको हम ओसिस कहते हैं और वो एक ग्रीन आइलैंड होता है डेजर्ट वेहर ए स्प्रिंग और जहाँ पे मतलब मिडल ऑफ द डेजर्ट में एक स्प्रिंग सीजन सा लगता है कि भाई हरियाली हो गई है और ए वेल और ए वेल गिज़ प्लांट्स एंड ट्रीज ए बेटर और ऐसी मतलब सिचुएशन में वहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं ओएसिस में कोई छोटा बहुत स्पोर्ट एक आध एरिया में जहाँ पानी होता है वहीं वो ओएसिस का एरिया बनता है जहाँ से वो सर्वाइव कर सकें प्लांट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ चें टू ग्रो चें मीन्स एनवायरमेंट चेंज टू ग्रो ए डेजर्ट में भी होट वो होट भी हो सकता है किसकी तरह से लाइक द थार मरुस्थल है कोल्ड लाइक लद्दाख इट मीन्स स्टार्टिंग की एक स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि वो होट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है सभी डेजर्ट्स का जो टेम्परेचर है वो होट ही नहीं होता है कि वो होट ही हो या फिर वो बिल्कुल टोटली कोल्ड हो तो यहाँ पर जो थार है इट मीन्स मैं आपसे अगर पूछूँ कि होट एनवायरनमेंट किसका कहा है किस डेजर्ट का लाइक द थार एंड द कोल्ड किसको कहा है लाइक लद्दाख बट जनरली स्पीकिंग लेकिन अगर हम नॉर्मली इसकी बात करें कि जो प्लेस है वो एक लिटल होता है लिटल और नॉ नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजली कॉल इट ए डेजर्ट तो ये एक डेफिनेशन बन गई है कि वट इज़ ए डेजर्ट वेव प्लेस वेयर इज लिटल वाटर मीन्स और लिटल वेजिटेशन एंड लिटल डेंसिटी मतलब वहाँ पे है ही नहीं लोग बहुत कम लोग हैं तो ऐसा एरिया जो है वो यूजअली यूजअली मीन्स आमतौर पर नॉर्मली उसको हम क्या कहेंगे डेजर्ट कहेंगे सम डेजर्ट्स आर ऑल्सो टोटली विदाउट वाटर कुछ जो डेजर्ट हैं वो भी विदाउट वाटर होते हैं ऐसे प्लेसिस में जब स्ट्रॉग विंड्स रेज होती हैं जहाँ पानी है ही नहीं वहाँ पे हवाएं चलती हैं ब्लो करती हैं विंड्स बहुत तेज़ तेज विंड्स ब्लो करती हैं और वो मिट्टी को अपने साथ उठा लेती हैं वो हीप बना देती हैं उसका ढेर बना देती हैं कभी उठा के इधर से उधर डाल देती हैं कभी उधर से आंधी आ जाती है तो उधर माउंड बन जाते हैं और ऐसे वो जो मिट्टी है वो डिप डिपोजिट होकर क्या होकर एक जगह इकट्ठी होकर क्या बना देती है माउंट्स बना देती है माउंट्स मीन्स छोटे छोटे मिट्टी के टीले बना देती हैं देर आर कोल्ड सेंड ड्यून्स या इन जो मिट्टी के जो ये माउंट्स बने हैं इनको हम क्या कहते हैं सेंड ड्यून्स कहते हैं मीन्स मिट्टी के टीले कहते हैं और दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली और जो मूव होते रहते हैं मैंने अभी आपको बताया एक तरफ़ से आंधी आती है दूसरी साइड बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ के चली जाती है वो एरिया ऊपर लगने लग जाता है ऊंचा लगने लग जाता है उधर से होती है तो उधर शिफ्ट हो जाती है तो इसलिए जो डेजर्ट है वो फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऐसे एक डेजर्ट एंडलेस डेजर्ट में बहुत कम प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं और क्यों ऑन सस ड्राई एंड शिफ्टिंग सैंड अब सैंड आप बना रहे हो वहाँ रह रहे हो सैंड उधर से उधर जा रही है मिट्टी उधर से उधर जा रही है तो वहाँ पे बहुत कम प्लांट्स सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि जो शॉर्ट प्लांट्स जो जर्मिनेट होते हैं उगते हैं वो तो इतनी तेज़ हवा होती है कि अगर मिट्टी नीचे से उठ के आ गई तो उनकी रूट बहुत वीक होती है स्ट्रॉन्ग रूट नहीं है तो वो साथ ही शिफ्ट हो जाते हैं मिट्टी के साथ ही दब जाते हैं नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ ये देखो आपके सामने कितने ब्यूटीफुल पिक्चर एक है एक कोकोनट ट्री है कोकोनट ट्री एंड जो हस्बैंड वाइफ हैं मे बी मेल और फीमेल एक कैमल बनाया हुआ है और यहाँ पे जो हैं वो होम्स भी हैं आप इसको ट्राई करना अपनी नोटबुक में बनाने की ये एक एक एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ आप इस एक्टिविटी को इसको बनाकर आप मुझे व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा आपको बहुत अच्छी पिक बनानी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है चेंज टू ग्रो ओके दिस वन वी हैव डन नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ और नेक्स्ट पैराग्राफ इज ओल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव कहता है कि सब जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जीने के लिए क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए वाटर चाहिए कुछ ही फ्यू प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं जिन्होंने अपने आप को इतना अपनी एबिलिटी को इतना डेवलप कर लिया है कि उनको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कुछ जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वहाँ पर वही प्लांट्स और वही एनिमल्स सर्वाइव करते हैं दोज नीड लेस वाटर जिन्हें कम पानी चाहिए द कैमल जो है प्रॉपरली नॉन एज द शिप शी, ऑफ द दे डेजर्ट इसको शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा गया है क्योंकि ये मरुस्थल का जहाज़ इसको कहा गया है देखो इसको इसका जो कंपैरिजन है वो एक शिप से एक जहाज़ से किया गया है जैसे समुंदर की जहाज़ समुंदर का और इसको शिप ऑफ डेजर्ट मीन्स ये भी समुंदर का ये अपने ये था मरुस्थल का राजा है ये एक बार में क्या कर सकता है ड्रिंक कर सकता है बहुत सारा लोट ऑफ वाटर वन टाइम में ही कैमल्स जो है वो कैन डू विदाउट ओके फर्स्ट वी विल मूव और नेक्स्ट पैराग्राफ। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज़ टुगेदर बहुत सारे दिन लंबे दिनों तक वो काम कर सकता है बिना पानी पिए भी वो रह सकता है और इसका रीज़न क्या है वट इज़ द रीज़न ऑफ दिस कि वो बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है और पानी नहीं पी सक पीता तो रीज़न देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि द रीज़न ये इज दैट दिस स्वेट वेरी लिटल उनकी जो स्वेटिंग होती है वो बहुत कम होती है और हमारी जो स्वेटिंग होती है वी जो स्वेट करते हैं हम स्वेट करते हैं वो हम अपनी बॉडी को बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट करने के लिए स्थिर करने के लिए होता है हमारा क्योंकि मान लो बॉडी हीट हो गई है गर्मी लग रही है हमें गर्मी लगती है तो क्या होगा स्वेटिंग होगी हमें स्वेटिंग होगी तो क्या क्या करना है मींस हमारा जो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा और आफ्टर स्वेटिंग जो है वो हमारी बॉडी काम हो जाएगी शांत हो जाएगी ज़्यादा ठंड गर्मी नहीं लगेगी वी स्वेट वैन इट गो गेट सोट जब कैब स्वेट होता है हम जब हमें गर्मी लगती है एंड दिस कूल द बॉडी और गर्मी वो स्वेटिंग होने के बाद हमें ठंड लगने लग जाती है मीनस कूलिंग महसूस होती है कैमल जो है वो स्टैंड हो सकता है इस हाई बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जो मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें भी ये स्टैंड और सर्वाइव कर सकता है दे उनको नीड नहीं है स्वेटिंग की वो उन पे स्वेटिंग आती ही नहीं है और वो क्या करते हैं रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड वो रिटेन कर लेते हैं कंट्रोल कर लेते हैं किस चीज़ को रिटेन कर रिटेन मीन्स बेटा कंट्रोल का ए, कंट्रोल और यू कैन से कलेक्ट कर रहे हैं कर लेता है उस पानी को बहुत लंबे पीरियड के लिए नेक्स्ट uh, पैराग्राफ जो स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स हैं वो डोंट ड्रिंक वाटर कुछ प्लांट्स भी हैं जो मतलब देखो एनिमल्स में हमने किसका जिक्र किया कैमल का जिक्र किया अब जो कुछ प्लांट्स भी हैं ऐसे प्लांट्स भी हैं स्मॉलर डेजर्ट प्लांट्स भी हैं एनिमल्स एनिमल्स भी हैं जहाँ जो, जो बहुत कम पानी पीते हैं वो क्या करते हैं वो अपनी एक ब्यूरो बना लेते हैं ब्यूरो मीन्स एक ज़मीन के नीचे बिठा एक खड्डा सा मतलब छोटा सा जो होल बना लेते हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं कब डेम होट डेम है वो उस अपने ब्यूरो में चले जाते हैं और जो रात में हैं वो क्या करते हैं बाहर निकलते हैं कुछ खाने के लिए कम आउट एट नाइट टू ईट कुछ लोग जो हैं उसमें जो सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स कुछ लोग कुछ जो एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल को खा लेते हैं एंड वहाँ से क्या करते हैं दे गेट वाटर गेट वाटर पानी को उन्हें मिलता है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है कहाँ से कहाँ से मिलेगा उसने एक एनिमल ने बिग एनिमल ने स्मॉल को खा लिया है कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं एंट हैं चीटियाँ हैं तो उनके जो मीट होता है उसका उन इनका जो फ्लैश होता है उससे उनको मॉइस्चर मिल जाता है और उस मॉइस्चर के थ्रू वो अपना जो वाटर लेवल है उसको कंप्लीट करते हैं उसको मेंटेन करते हैं और उसके बाद क्या है कि अदर्स ईट प्लांट्स कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट्स ही खाते हैं प्लांट्स पर सर्वाइव कर लेते हैं उनके सीड्स को खा लेते हैं और वहाँ वाटर कहाँ से गेट करते हैं बहुत प्लांट जूस जो प्लांट जब खाया प्लांट है जो उसके लीव्स हैं या कोई और जो भी पार्ट है बट वो है तो वेट ड्राई तो नहीं है ड्राई होने के बाद तो वो प्लांट क्या रह जाएगा प्लांट ही नहीं होगा प्लांट तो ड्राई नहीं होता तो वहाँ से उनको वाटर मिल जाता है उस जूसी पार्ट से वो अपने वाटर को की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं जो डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो एडेप्ट जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो भी अपने आप को डेमसेल्स को अपनी लाइफ को सरवाने सर्वाइव करने के लिए एडेप्ट हो जाते हैं अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और उस लाइफ को लीड करते हैं व्यतीत करते हैं कैक्टस एक प्लांट प्लांट है जो जो स्टोर करता है वाटर को एक कैमल एनिमल्स में कैमल है जो स्टोर करता है वाटर को और प्लांट्स में कौन है कैक्टस है कैक्टस उसका जो स्टेम होता है वो थिक स्टेम होता है और जिससे वो उसकी और जो उसकी रूट है रूट मीन्स जो जड़ है उसकी वो बहुत ही क्लोज होती है सरफेस के ग्राउंड का जो सरफेस है उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और वो बहुत क्विकली क्विकली मीन्स तेज़ी से अब्ज़ोर्व मीन्स ग्रहण कर लेती है क्या उस मॉइस्चर को ग्रहण कर लेती है फ्रॉम द लाइट रेंस जो लाइट हल्की फुल्की अगर बूंदे भी गिर गई तो उस मॉइस्चर को वो अब्ज़ोर्व कर लेता है क्योंकि उसकी रूट जो है वो ज़्यादा डीप नहीं है ग्राउंड के ऊपर ही बस थोड़ा सा नीचे है मिट्टी की तो वो जल्दी से उसको मॉइस्चर मिल जाता है जो ओकेजनली फॉल जो कभी कभी बारिश होती है जो मेजर फीचर्स ऑफ ऑल डेजर्ट्स जो मेजर फीचर हैं सभी डजर्ट्स की वो क्या हैं ऑफकोर्स ड्राइनेस ड्राइनेस है ओके मूव टू फर्स्ट नेक्स्ट पैरेग्राफ ड्राइनेस और वेरिएशन एंड ड्राइनेस है और वेरिएशन है टेम्परेचर की वहाँ पे मतलब अलग अलग तरह का टेम्परेचर हो जाता है अलग अलग तरह का टेम्परेचर कैसे हो जाता है क्योंकि दिन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और रात में वहाँ पे मीन्स मौसम ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे गर्मी दिन में हुई ही नहीं तो इसका रीज़न क्या है एक मॉइस्चर जो वहाँ पर हल्की जो बारिश है या मॉइस्चर जो है उससे एक इस मॉस्चर से मॉइस्चर से ब्लैंकेट बन जाता है ब्लैंकेट मीन्स उसके ऊपर एक लेयर सही बन जाती है एन्वायरमेंट में और जो प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ के सरफेस को किस से हॉट रेज ऑफ सन जो हॉट रेज हैं आती हैं सन की उनसे प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को जो एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट अगर ये ब्लैंकेट नहीं बना हुआ है एक मॉस्चर लेयर नहीं बनी हुई है इसकी एब्सेंस एब्सेंस मीन्स वो प्रेजेंट नहीं है तो ब्लैंकेट जो है ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड डेजर्ट लैंड कॉज इज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली अगर मॉइस्चर की लेयर नहीं है तो बहुत रैपिडली फास्ट बहुत फास्ट वो है जो है वो टेम्परेचर जो है डेजर्ट का वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग द डे टू कूल ऑफ रैपिड एटे नहीं तो रात में बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा दिन में बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा क्या नहीं है अगर हमारे पास मॉइस्चर का ब्लैंकेट वहाँ पे नहीं है मॉइस्चर नहीं है एनवायरनमेंट में तो वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा डज़र्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान जो डेज़र्ट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हमारे ग्रीन प्लांट के सॉरी ग्रेट प्लान के दे आर देर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस वो किसकी तरह से होते हैं एक डीप गहरे फॉरेस्ट की तरह से और ओशियन की तरह से ही होते हैं जस्ट दे आर हॉट एंड ड्राई बस वो तो हॉट और ड्राई होते हैं तो वन शुड नॉट टुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ तो हमें इनको क्या नहीं समझना चाहिए एक यूज़लेस पार्ट नहीं समझना चाहिए कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो डेजर्ट की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसका क्या क्या, क्या काम है नो नो नीड नो रिक्वायरमेंट रैपिडली रैपिडलीजर्ट्स आर एम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लान